स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। तो मैं हूँ आपका दोस्त आपको वारिस अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वारिस राइडर। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्प्लेंडर BS6 के बारे में, जो कि अभी हमने पिछले 2 महीने पहले ही हमने परचेज़ करी है। तो 2 महीने पहले परचेज़ करी है तो उसको लगभग चले हुए 2500 किलोमीटर चल चुकी है अभी हमारी स्प्लेंडर। तो इसका ओनर रिव्यू होने वाला है 2500 किलोमीटर का। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 2500 किलोमीटर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है गाड़ी के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आई, तो गाड़ी की चाल वगैरह एंड गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ मैं, गाड़ी कैसी है किस तरह की है। तो आप लेट्स गो, वीडियो को देखो, वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो को तो मैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट करता हूँ। जो लोग नई स्प्लेंडर लेने की सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख ले, ये आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है वीडियो आपके लिए। तो एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारी स्प्लेंडर BS6 अभी सिर्फ 2 मंथ ही पुरानी है, जो 2022 के जनवरी में हमने इसको परचेज किया था। तो BS6 है, तो एक बार मैं इसका किलोमीटर बता देता हूँ आपको। तो देख लीजिए 2400 किलोमीटर चली है सिर्फ हमारी गाड़ी अभी, या BS6 इंजन के साथ मिलती है हमें स्प्लेंडर प्लस। ये देख लीजिए आप, अगर हम गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में है, बढ़िया अच्छी गाड़ी है। और गाड़ी अगर हम ऑन रोड की प्राइस के बारे में बात करें तो 82,000 की पड़ती है हमें कैश में। अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो तो फाइनेंस आपके 1,00,000 रुपये तक की पड़ सकती है आपकी गाड़ी हीरो की स्प्लेंडर। और इसके माइलेज वगैरह की बात करें तो माइलेज हमें ये हमारे गांव के अंदर 50 से 55 के बीच में माइलेज देती है पर लीटर। ये BS6 इंजन है, BS6 इंजन है इसके अंदर। तो एक बार मैं इसका किलोमीटर दिखा देता हूँ आपको, चली हुई है 2400 किलोमीटर। तो एक बार मैं इसका साउंड भी सुना देता हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर फ्यूल पंप लगा हुआ रहता है, तो फ्यूल पंप की क्या आवाज़ आती है, एक बार मैं फ्यूल पंप भी चेक करवा देता हूँ आपको टंकी खोलकर। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, साइड में लगा हुआ है फ्यूल पंप, जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, वही फ्यूल पंप है। इसको तो मैं लगा देता हूँ। तो देख लीजिए गाइस, ये फ्यूल पंप की आवाज़ आ रही है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो देख लीजिए फ्रेंड, गाड़ी का साउंड किस तरीके का बनता है। तो ये हमारा स्पार्क प्लग, ऑक्सीजन सेंसर, एंड यहाँ पर भी एक सेंसर मिल जाता हमें इस साइड भी। ये देख लीजिए, एक सेंसर हमें यहाँ पर भी मिलता है, ये BS6 के अंदर ही मिलता है हमें। तो BS6 के अंदर हमें गाइस ये जो ग्राफिक्स है, तो पहले मैं गाड़ी का स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो हम ग्राफिक्स की बात करें तो BS6 में भी ये नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं, हीरो लिखा हुआ और स्प्लेंडर लिखा हुआ हमें बिल्कुल नॉर्मल साइड का मिलता है। एंड पीछे की हम टेल की बात करें, टेल भी हमें बिल्कुल नॉर्मल से मिलती है। एंड जो स्प्लेंडर है तो गाड़ी में कुछ इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पर जो पहले कारपेट आता था उसकी जगह उन्होंने अब टोटल बॉडी दे दी है यहाँ पर। ये देख लीजिए आप, टोटल बॉडी पूरी। तो पहले यहाँ पर कारपेट आता था, उसकी जगह टोटल बॉडी दे दी है अभी इन्होंने। एंड ये सेल अप स्टार्ट तो हमें हर सभी स्प्लेंडर पे मिलता है 2015 के बाद में। एंड हम इसके एलोई की बात करें तो एलोई भी हमें सेम पुरानी वाली की तरह ही मिलता है। ये देख लीजिए आप, इसके एलोई सेम पुरानी वाली की जैसे ही मिलता है। एंड इसके टायर साइज़ की बात करें तो देख लीजिए आप फ्रेंड्स, टायर साइज़ भी हमें वही पुराना वाला ही मिलता है इसके अंदर। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर में हमें 8018 का मिलता है। एंड इसकी मड गार्ड, तो मड गार्ड में हमें एक नया चेंज देखने को मिला है, जिसकी मड गार्ड है थोड़ी सी अलग सी शेप दे दी है यहाँ पर, और IBS का दे दिया है। एंड इसके साथ साथ हमें रिफ्लेक्टर हमें यहाँ पर इस वाली मरगाड में मिल जाता है, तो हमें पुराना जो वाला मॉडल है उसके अंदर ये नहीं मिलता। ये टर्न इंडिकेटर्स एंड इसका हेड एंड लाइटिंग वगैरह सेम बिल्कुल वही दी हुई है हमें पुराने मॉडल की तरह। एंड जो इसका साइलेंसर है, तो साइलेंसर भी हमें यहाँ से चेंज मिलता है, जो पुराना वाला मॉडल है, पुराने वाले मॉडल में यहाँ से गोलाई को बस सिर्फ गोल है, तो यहाँ पर ही हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो आप जाली देख रहे हो आप, थोड़ा जाली का भी इसका लुक चेंज कर दिया है यहाँ पर नए वाले मॉडल में। एंड इसका जो यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये भी चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ हम देखें तो हमें एक और कंट्रोल का जो सिस्टम है, जो पुरानी वाली गाड़ी आती थी फ्रेंड्स, पुरानी वाली गाड़ी के अंदर यहाँ पर हमें रोड मिलती थी, एक बिल्कुल सिंपल वाली रोड मिलती थी। लेकिन अब इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे, जब मैं इसको ब्रेक को पुश कर रहा हूँ तो देख लीजिए आप, आगे का जो ब्रेक है, आगे का ब्रेक भी पुश हो रहा है। ये देख लीजिए आप, ये पीछे वाला ब्रेक भी पुश कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आगे वाला ब्रेक भी लगता है। इस वाली टेक्नोलॉजी का हीरो वाले ने यूज करा है, जैसे अगर हम आगे वाला ब्रेक लगाते हैं तो पीछे वाला जो ब्रेक है, तो ब्रेक भी इसके साथ साथ यूज में होता है।
एंड इसके साथ साथ मैं दिखा दूँ आपको, देख लीजिए आप। तो हमें इसके अंदर फ्रंट टायर एंड रियर टायर दोनों टायर हमें ट्यूबलेस मिलते हैं। हमें फ्रंट वाला टायर है जो भी ट्यूबलेस है, एंड बैक वाला टायर की बात करें तो बैक वाला टायर भी ट्यूबलेस है, एंड बैक वाला टायर भी हमें 180/18 का मिलता है। मेजर चेंज की बात करें तो देख लीजिए, एक छोटा सा चेंज ये भी करा है। जो पहले वाली हमारी स्प्लेंडर आती थी, पहले वाली स्प्लेंडर में हमें ये देखने को मिलता था, पहले वाली स्प्लेंडर में फ्रंट एंड रियर दोनों सेम मिलते हैं हमें। एंड जो पहले वाली स्प्लेंडर आती थी तो उसके अंदर हमें ये जो सेटिंग होती है सोकर की सेटिंग नहीं मिलती। तो और कुछ ज़्यादा चेंज तो करा नहीं है उन्होंने कंपनी वालों ने, बट जो ये नई BS6 इस मॉडल दी है तो ठीक ठाक कंडीशन में है गाड़ी। अगर हम इसको एक और चेंज देखने को मिला है फ्रेंड्स इसके अंदर, ये देख लीजिए चार्जिंग का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, एंड पुरानी वाली स्प्लेंडर में चार्जिंग का पॉइंट कोई देखने को नहीं मिलता था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो डिपर का जो स्विच होता है वो हटा दिया है, एंड सेल अप का स्विच, एंड कुछ ज़्यादा चेंज तो देखने को नहीं मिला। बट इसकी जो चाल है, चाल काफ़ी अच्छी है इसकी नई वाली BS6 की। लेकिन बट मैं एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस गाड़ी को लेकर के, क्योंकि जो ये गाड़ी है माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज इतना अच्छा देती नहीं है माइलेज। तो अगर हम मेरे पास भी एक और पुरानी अपनी मॉडल स्प्लेंडर खड़ी हुई है, तो अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो इससे बेटर माइलेज इस वाली का है, क्योंकि वो कारपेटर वाली है एंड ये फ्यूल पंप वाली है, तो इस पता नहीं इस वजह से माइलेज नहीं देती वो। लेकिन बट चलने वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो क्योंकि अभी तक हमने इसको 2500 किलोमीटर ही चलाया अभी तक तो गाड़ी को। और हाँ दोस्तों, आप जब भी BS6 गाड़ी लें तो एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो आप बिल्कुल भी सेलअप को ना लगाएं, क्योंकि इसका फ्यूल पंप ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको कम से भी कम 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रखना ही पड़ेगा। अगर 1 से 1.5 लीटर तक पेट्रोल नहीं है आपकी गाड़ी में और आप जैसे स्विच ऑन करते हो अगर आप इसको सेलअप लगा देते हो, वैसे इसमें चौक आती है नहीं। BS4, BS3 में तो चौक आती है, अगर आप BS6 में लोगे तो इसके अंदर चौक आती है नहीं। अगर आप सेलअप लगा दोगे 1 लीटर पेट्रोल कम से, तो इसका फ्यूल पंप होता है ना, फ्यूल पंप, तो उसको आप ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस बने रहते हैं। तो इस गाड़ी में आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, पेट्रोल का, पेट्रोल आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर रखना है इसकी टैंक में। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा देता है, हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा टेक केयर।